सच स्टिकर लगा ही नहीं अभी इसके ऊपर। क्रेडिट कार्ड एनालिसिस है लेसिथीन का? लेसिथीन का नहीं है ये। लूज इन्होंने परचेज किया? लूज परचेज किया पता नहीं। आप बदमाशी कर रहे हैं? आप बदमाशी कर रहे हैं? मैं तो सवाल मैं क्यों आपको सवाल का जवाब? क्या बात है भाई, क्या बदतमीजी क्यों कर रहे हो? आप बाहर जाके बात करें। आप बाहर हो ना, बाहर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आज फिर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से मिलावट माफिया का घेरा तंग किया जा रहा है। हमें यहाँ पे कॉल की गई, हम मौजूद हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस, टीम अंदर रेडी हो रही है, जिन्होंने छापा मारे और ये लाहौर के किन इलाकों में मौजूद है ये मिलावट माफिया, आज हम आपको आज के एपिसोड में दिखाएंगे आगे चलकर। शालीमार लिंक रोड है, लाहौर का ये इलाका है और ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने यहाँ ब्रेक लगाई है। ये पंजाब फूड अथॉरिटी का जो स्टाफ था और उसके जो एक्सपर्ट थे वो आगे जा रहे हैं और हम उनको फॉलो करेंगे, देखते हैं कि आज कौन सी फैक्ट्री चेक की जाएगी, इस फैक्ट्री में क्या बनता है, ये किस किस्म की फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या तैयार किया जा रहा है और किन तरीके के साथ किस तरीके के साथ यहाँ पे सामान खाने पीने का जो सामान है वो तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर गंदगी कितनी है, कौन सी जगह इनकी साफ़ है, पानी का मेयार कैसा और यहाँ का स्टाफ कैसा है, गंद है या नहीं है, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी आगे हम उनको फॉलो कर रहे हैं और फैक्ट्री ये नज़दीक ही है, अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ इस फैक्ट्री में क्या क्या है। ये एक फैक्ट्री है और बिल्डिंग है, अंदर जा रहे हैं ये पंजाब फूड अथॉरिटी वाले उनके एक्सपर्ट, अभी अंदर जाएंगे देखते हैं कि अंदर क्या तैयार किया जा रहा है। और ये एक फैक्ट्री है, क्या हाल है, कैसे हैं आप, क्या तैयार कर रहे हैं, क्या बन रहा है? ये कैंडी टॉफी। कैंडी टॉफी जी, और बच्चों वाली टॉफी जी, ठीक है। कैंडी टॉफी यहाँ पे बन रही है, ये मेरा ख्याल मैनेजर है या ऑनर है, इनसे बात करेंगे। हाँ मैनेजर है जी। अच्छा जी, यहाँ पे पैकिंग क्या हो रहा है मेरे भाइयों? पैकिंग हो रही है। पैकिंग कर रहे हो जी? बनता किधर है? बनता इधर है, ये वॉशरूम है सामने वाला? नहीं नहीं, उधर बनता है। कहाँ पे बनता किधर है? उस साइड पे आओ, जरा इधर है, इधर आए। अभी नरम है ना, इस वजह से ये लीकवर्ड गुड़ी थोड़ा समझिएगा। ये यहीं पे बनते हैं ये टॉफी, यहाँ बनती है सर? जी सर। नहीं नहीं, रंग नहीं है सर, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ये क्या चीज़ है? ये पेंट किया हुआ है? नहीं नहीं सर। हाँ स्टील का कुछ नहीं है। नहीं स्टील का सर, ये स्टील का सर। ये वाले यूज़ कर रहे हैं आप, जंग वाले स्पॉन्स? ये देखो इधर आओ, ये क्या है, ये यूज़ कर रहे हो जंग वाले? ये वाले, ये जंग लगा हुआ है आपके औजार को? नहीं सर, जंग नहीं लगा, ये साफ किया। तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये जो नज़र आ रहा है ये दिखा रहे हैं, ये देखें जोर तो नहीं बोल रहे ना, सामने पड़ा ये, इसको ना कवर जो है ना प्रॉपरली किया करें। ये प्रॉपर कवर होता है ये? नहीं नहीं, ये अंदर से चेक। ये भी जंग वाला, ये इसकी हालत। पहली बात ये है कि आप ये टिन की आप यूज नहीं करते, वाला ये पेंट के तो ये पेंट इसके बाहर वाली साइड पे भी होता है, आप इसके लिए एसएस का सारा पानी के लिए यूज करते हैं। वैसे इसको पानी किसी में डालना है, वो कहीं और तो नहीं जाना है ना, वैसे इसको यूज करते हैं वो स्टील का। किधर है वो लेके आ रहा? अच्छा ये डालने के लिए लिया था पानी तो नहीं है इसमें। जोर तो मत बोलो ना मेरे भाई, बता दो सच जो है वो बताओ। सच ये जो सफाई की है ना, जो सफाई की है, कढ़ाई साफ की है, उससे बाहर फेंकते इससे पानी। ये रफ है पानी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए बाइट साइड। अच्छा, हर चीज़ को जंग लगा यूज होता है? चीज़ को जंग लगी हुई है सर, ये यूज होता है जब कढ़ाई साफ करते हैं इसमें से पानी बाइट फेंकने के लिए, अदर नहीं। अच्छा, अदर नहीं ये यूज होता है। और ये छो क्योंकि इसका काम ही नहीं है। लाइसेंस वगैरह बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है जी सर।
गोलियां टॉफियां बनती हैं यहाँ पे, गोलियां टॉफियां कैसे बनती हैं, हमारे बच्चे खाते हैं बड़े शौक से, हमसे पैसे लेके, हम उनसे पूछते नहीं कि बेटा आपने क्या खरीदा बाजार से, वो जो बन रहा है ना मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जंग देखें, ये जंग आलू इनका जो औजार है, इस पर जंग लगा हुआ है, इस डब्बे के अंदर जंग है मेरे भाई, ये देखें, ये देखें, ये अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, और ये छत भी ऐसे ही है, यहाँ पे पकता है सारा, ये कौन सी गोली टॉफी है, बड़ी जदीद तरीके से बन रही है। नहीं सही, ये कलर नहीं है, ये हल्दी और साइड पे पड़ी हुई है, ये भी हल्दी और साइड, ये हल्दी खाने के लिए, चावलों के लिए जो लेबर खाती है। आप मुझे ये बताएंगे ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, इस पे क्यों नहीं लेके आओ यार, आल पेपर एवर का डब्बा लेके आओ, ये क्यों ऐसे पड़ा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो लेके आ रहा है लड़का, ये सेम ऐसे ही आता है, ऐसा आप इनका चॉइस करवा दें, ऐसे लिखा होता है, ये सर ये बेकार है, ये जो अंदर से रॉ मटेरियल आता है इसको फेंक देते हैं, क्यों यूज कर रहे हो, ये रफ है, ये सफाई करने के लिए इसके ऊपर से, जब सुबह आते हैं ना ट्रे साफ करने की, क्योंकि डस्ट उस्ट ना पड़ी हो, पैकिंग बड़ी अच्छी होगी, लेकिन पैकिंग बड़ी अच्छी होगी, कहीं भी जाते हैं पैकिंग कमाल की होती है, ऐसे लगता है बाहर से अमेरिका से आया या किसी और कंट्री से कोई पैकिंग आई है, बाकी गंद है, जंग है, हर चीज़ है, जाले हैं, कोई चीज़ साफ़ ही नहीं है मेरे भाई, ऊपर से आप झूठ भी बोलते हैं, पीच फ्लेवर लेके आ जाए अंदर, आज पीच फ्लेवर दिखाइएगा, बात सजा की नहीं है, बात सफाई की है, देखे ना जंग भी लगा हुआ है, यहाँ पे तो वैसे ही आया हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ मेरे भाई, जंग लगा हुआ है ना हर चीज, सफाई से काम होगा, ये भी तंग नहीं होंगे, वो भी तंग नहीं, ये भी तंग नहीं करेंगे, वो भी नहीं होंगे, हर चीज सफाई के साथ होनी चाहिए, कारोबार कर रहे हैं ना, ये किस चीज़ की मशीन है, ये क्या लगा हुआ है, ये देखिए जरा इधर गंद किधर है, बुलाएं जरा, मैं तो बस ही, तो फिर आप जाएं, अब साइड पे हो जाए ना, अब डिस्टर्ब आ जाए सर, पैकिंग छोड़े, पैकिंग आपकी बड़ी अच्छी है, आ जाए, ये चलती है रोटेशन में आती है, इसकी क्लीनिंग कब करते हैं आप जी, ये सब आप ये साफ करेंगे ना पैकिंग करने के बाद, करेंगे आपने तो क्लोज करके रखा, नहीं 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 क्लोज इसलिए किया कि मक्खी ना बैठे, सर आप जब ये चीज़ ख़त्म हो गई ना तो इसको प्रॉपरली वॉश करके फिर इसको क्लोज करते हैं, ये क्लोज इसलिए किया है कि मक्खी ना इसके ऊपर बैठे, इसीलिए इसको शॉपर फौरन इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ये सब कर देना चाहिए ना, इसको अब साफ करेगा किसके साथ, अपने आप, ये तो मेरी बात सुनो, जब ये सॉफ्ट होता है ना, नरम होता है, उस वक्त इसको उसी वक्त उतारना भी इजी होता है, साफ करना भी इजी है, अभी आपके सामने गर्म पानी डालेगा और साफ कर देगा, अभी करेगा पहले क्यों नहीं किया, नहीं 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 जब काम छोड़े ना, ना करे ना सर, ये सारा कीचड़ हो जाएगा ना, बाद में आप भी कीचड़ होगा सर, कमाल खराब हो जाएगा, और रीजन कोई नहीं है, आपने अंदर प्रोडक्शन एरिया में साइड उसकी इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे कुल्फा बनाते हैं कि कुल्फे की कोई कॉपी बनाते हैं क्या, कुल्फा कुल्फा टॉफी, कुल्फा टॉफी बनाते हैं, मैं समझा कुल्फे की आप बात कर रहे हैं, कौन सी कुल्फा, ये बन, ये भी इसी कढ़ाई में बनता है, ये जंग वाले में, ये कुल्फा ही है ना, ये जंग वाले में बनता है सर, कौन से जंग वाले, वो जो कढ़ाया पड़ा हुआ है, वो जो औजार को जंग लगा हुआ है, जंग नहीं लगा हुआ, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोले ना, सच बोले, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप नजर आ रहा है, देख रहे हैं, वो आपको बता भी रहे हैं एक्सपर्ट जो है, झूठ तो ना बोले, वॉशरूम में सर, ये तो वॉशरूम कैसे है,
प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम नहीं बना सकते आप लोग, क्यों बनाया? उधर पैकिंग एरिया, वैसे प्रोडक्शन तो उधर हो रही है, किचन तो उधर है उस तरफ है, कुछ बार के बीच में कुछ चीज के ये पैकिंग है और ये इतिहास इधर गरम है, इतिहास इतिहास जी जी। वॉशरूम भी सर अंदर ही है, ये हर चीज को जंग भी लगा हुआ है, ऐसे धोने वाला सिस्टम भी कोई नहीं है सर। वॉशरूम भी अंदर है ना, वॉशरूम छत पे बनाओ। इसमें क्या पैकिंग, ये क्या मिक्स होता है, क्या होता है यहाँ पे? ये सर इधर सर माल आता है, ठीक है, यहाँ से फिर आगे इसमें वो एक लेयर सी बनती है, अच्छा। यहाँ से आगे मशीन में आगे जाती है, आगे जाती है, आगे से फिर कैंडी स्टार्ट होती है और पैकिंग वहाँ होती है, पैकिंग। तो इसकी कटिंग क्या कहाँ पे करते हैं आप? ये कटिंग यहाँ पे होती है टॉफी की जी। ये सर पाउडर, ये सर फूड पाउडर है, इसका मुझे दो सर ले लें आप, इसी में ले लें, ये ले सर। नहीं कौन सी कंपनी का है, कहाँ से लिया है, कोई इसका फ्लेवर नहीं है, कुछ चीज नहीं है सर, पाउडर में फ्लेवर नहीं होता। ये दिखाएं, अच्छा इसकी इसलिए होती है, मैं सर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बात ये है कि जो चीज नहीं, ये बेसिकली इसलिए होती है, ये इधर अगर लगा देते हैं ना तो कैंडी साथ नहीं चिपकती, वो तो नहीं। ये है क्या सर? अभी आपको पैकिंग दिखा देते हैं, ये बाल्टी में पड़ा हुआ ना, इसकी पैकिंग किधर है? पैकिंग इसकी कोई रसीद, इसकी कोई इनवॉइस, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई कुछ नहीं है। स्टिकर जब भी पैक होगा सर, एक मिनट, स्टिकर लगे होंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, स्टिकर की बात कर रहे हैं? जब बंद जंग वाली कढ़ाई में रहे तो आप स्टिकर थोड़े ना, यहाँ तो क्या ब्रांड होगा, क्या नाम होगा, कौन सी चीज़ होगी भाई, स्टिकर की बात कर रहे हैं, बन रहा है जंग वाले कढ़ाई में, बन रहा है मेरे भाई, बाजार को जंग लगा हुआ है। इस पे दिखाए ना सर, इधर है, बात सुने, इस पे अच्छा जी दे देते एक्सपायरी है इसके ऊपर जी सर, किधर है? इस पे भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं, किधर है? इस पे पता है क्या डला हुआ है, क्या कब बना है, क्या सर इसके अंदर मुकम्मल फूड जी जी सर। क्या कहते हैं सर ये, क्या ये तो जुल्म कर रहे हैं, पता नहीं हम क्या डाल रहे हैं ये क्या है सर, मैं आपको इसका बिल दिखाता हूँ, ये फूड पाउडर। उन्होंने बिल को क्या करना है, ऐसे क्यों रखा हुआ है इसको सर, ये क्या है इसका बताओ सर? ये टॉफी है, क्या किस नाम से क्या डाला हुआ है? डिलीशियस के नाम से। इसमें है कुछ एक्सपायरी वगैरह लिखी? हाँ जी आ जाए, आपको दिखाते हैं सर। कहाँ से दिखाना है तो सर, ये स्टॉक अभी मार्केट में जब जाएगा तो इसके ऊपर एक्सपायरी लगेगी ना जी। कब बनी सर? इसका प्रूफ है कब बनी है? कब जी कब बनी? ये तकरीबन चार दिन हो गए इनको बने, बनाने वाली डेट क्यों नहीं लिखी सर? स्टिकर लगा ही नहीं अभी इसके ऊपर, जब स्टिकर लगा बाल लगाने आपने स्टिकर लगे नहीं, देखो सर जिनके ऊपर स्टिकर लगा है वो ही है उनके ऊपर भी। इस पे दिखा दो, जब आपकी प्रोडक्ट बन रही होती है ना आप उसी वक्त उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीजें मेंशन करवाते हैं, ये एक्सपायरी डेट बाद में ही लगाते हैं। कितनी है सर? एक साल की, चेक कर लें। कैसे आपको पता है एक साल की एक्सपायरी जी? कैसे पता है? डेफिनेटली ये सारी मेजरमेंट करने के बाद ही वो ना, इसकी आपने कुछ की होगी, आपका कोई एक्सपर्ट है जो वो बनाता है? एक मिनट की आपने कोई एवैल्यूएशन करवाई होगी, इससे शेल्फ लाइफ स्टडी उसकी रिपोर्ट्स दें मुझे जरा, मैं सर देता हूं आपको। अच्छा ये वैसे बनी हुई है, पता नहीं क्या बना रहे हैं। चलिए बस जरा ये मुझे पाउडर का दें, ये जो इसके ऊपर और सारे ऐसे ही डब्बे में कहाँ बेचते हो जी? कहाँ बेचते हो? छोटे छोटे दुकान, ओवरऑल पूरे लाहौर में, लाहौर में जाता पूरे लाहौर में माल जाता है। कितना कितना स्टाफ है, लेबर कितनी है? सर 10 बंदों का स्टाफ है। नहीं कुछ भी नहीं, एक्सपायरी कहाँ रखी हुई है सर आप? आज ही सर। नहीं बाहर में एक्सपायरी है ही नहीं, डब्बों के ऊपर एक्सपायरी नहीं, आपने डब्बों पे नहीं लिखा सर। आपको हर चीज़ इस पर लिखनी चाहिए, इसमें क्या आप डाल रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, ये सारा इस पर मेंशन होना चाहिए। हाँ सर, सर इंग्रेडिएंट्स मेंशन है यार, डब्बे इसमें दिखाएं जिसपे नहीं सर, वो कोई हो गया होगा ना, लेकिन ये देखिए इंग्रेडिएंट्स मेंशन है सर, ये चेक करेंगे, शुगर ग्लूकोज। मैं यहाँ पे थोड़ी सी सर, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। देखें एक तो ना मामला
छुपा हो, कोई नज़र नहीं आता हो, बातें करना ठीक है, बनता है। जब बन जंग वाले कढ़ाई में रहे, औजार गंदे हैं, जंग लगा हुआ है, डब्बे में जंग है, तो सर ये आपको लगता है कि एक्सपायरी ये लिखे नहीं ऊपर? सारे इश्यूज हमने देखे हैं और सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिट्रिक एसिड, सोया लैसिथिन, सबके सी ओ एस हलाल सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें ना आप ले निकालें फाइल। और मुझे खास तौर पे स्पेसिफिकली ये जो आपका बैग है ना पाउडर वाला जो फिनिश कूट पे लगता है, हाँ ये क्या चीज़ है, ये कंफर्म करें, ये क्या, ये मुझे दें इसका सारा डिटेल, हाँ ये कंफर्म करें ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर ना नाम है ना इसके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है। ये फूड पाउडर तो कह रहे हैं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये चीज़ क्या है। ये पाउडर नुमा ये देखें वाइट कलर है इसका, लेकिन डब्बे के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। और अभी कह रहे हैं ऑनर जो कह रहे हैं हम, हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं तो प्रूफ देखने चाहिए। अभी देखते हैं कि प्रूफ इनके पास है या नहीं है। आप बदमाशी कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं, मैं तो सवाल, मैं क्यों आपको सवाल का जवाब, क्या बात है भाई, क्या बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप, बाहर जाके बात करें, आप बाहर हो ना, बाहर हो। आप बात फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो नेशन है ये थर्ड पार्टी है जो हमसे प्रोडक्शन करवा रही है। ग्लिसरीन का दें, सिट्रिक एसिड का दें, सोया लैसिथीन का दें, आर्टिस्ट मुझे लड़का बुलाने देंगे तो मैं कुछ दूंगा आपको कि खड़े खड़े आपको मैं सारी फंदा किया कर दूं सर। शाहद तलहा गालसन वो मुझे नहीं दिखाया पैकिंग ये आपके नाम वाले चेक कर दें सर। अभी आपको सारा कुछ मिल जाता है जो प्रोडक्शन हो रही है वो आपको सारी चीज़ें मिले। तलहा इधर आ, वो तो जिसमें डब्बे में लिखा हुआ था नहीं था, वो किधर है बोतल? शाहद गालसन ये, हाँ सर आपको किस मियां फूड के नाम से? ये सर ये पैकिंग है और इसी में आता है ये SMC वाला, नहीं ये ऐसे नहीं आता, ये ठीक नहीं है, यहाँ से भी लेते ये हमें नहीं पता, ऐसे हमने तो नहीं कभी देखा इस तरह का, ये सीन तो नहीं देखा, ये SMC का नहीं है, ये तो नहीं है इस तरह का, तो नहीं ऐसा नहीं होगा तो जो पलंटी होगी वो ही होगी। पलंटी क्या मतलब सर, पलंटी क्या? डेफिनेटली जो SMC वाले दे रहे हैं वही चीज़ है। नहीं ये देखिए ना, ये उनकी पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग है, ये कंपनी की पैकेजिंग है, ये आप जो है ना इसको पैकेजिंग किया है। एक मिनट, कहीं आपके साथ तो फ्रॉड नहीं हुआ आगे से मेरे भाई, आपने परचेज किया हो आपके साथ ऐसा हो गया हो? ये आपके साथ तो नहीं हुआ है, SMC का है नहीं ये, किसी ने नहीं पता शॉप कौन सी है, SMC तो कोई शॉप नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर हाजी शरीफ जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है। शाहद इधर अंदर, शायद आओ ना यार आप अंदर आओ, जरा हेल्प करो उनकी यार, जो जो कह रहे हैं वो चीज़ें लेट कर दिया। अच्छा शाहद साहब आप ना ऐसा करें, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लेके हैं जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छा लैसिथीन है, ग्लिसरीन का, लैसिथीन का जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं आपको पता ही है, सिट्रिस का, सिट्रिक एसिड चाहिए, सिट्रिक एसिड का MSDS मेरी बात, आपका नाम क्या है सर? ध्यान से सुने, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होती है, चार्ट होता है, सिट्रिक एसिड का वो लेके आना, सिट्रिक एसिड नहीं लेके आना, है आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है लैसिथीन का? लैसिथीन का नहीं है। ग्लिसरीन का है?
ये जो कलर आप आर्टिफिशियल कलर यूज कर रहे हैं E129, इसका पता क्या है? ये COA हलाल है हराम है? हलाल है ये टोटल SMC के यूज कर रहे हैं और टोटल SMC के हलाल है। उन्होंने लिख के दिया 129 है, वो सर्टिफिकेट दे दें हमें जिस पे लिखे। हां वो कलर इंडेक्स नंबर हम देख लेते हैं। अच्छा जो अच्छा सर SMC ऐसा देता ही नहीं है। अभी इन्होंने जो कहा है जो नहीं है वो क्या चीज़ है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं ज़रा। वो बच्चे खाते हैं बड़े शौक से ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो बताए गए हैं, इनको जो केमिकल्स जो यूज़ करते हैं इसको मैन्युफैक्चर के पास उसकी एनालिसिस नहीं, एनालिसिस की होती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो खाने के लिए काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। उसकी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एनालिसिस करके एक रिपोर्ट जनरेट करती है, लेबोरेटरी रिपोर्ट होती है। वो जो उसका यूज़र होता है वो उसकी रिपोर्ट डिमांड कर सकता है कि जी मुझे इसके साथ ये COA कंप्लीट चाहिए। इनके पास वो इनसे अभी डिमांड की है, वो भी इनके पास नहीं है। वो होनी चाहिए वैसे। हाँ जी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? वो भी हम इस पे मजीद देखते हैं, अभी इन्होंने इनको कहा है, ठीक है, सारी चीज़ें लेके आए फाइल्स वगैरह। ठीक है ठीक है। अभी डाउट हो रहा है ये SMC का है ही नहीं सर। ये SMC का नहीं है। ये देखना मैं आपको पैक, ये सील्ड है, ये देखें तो ये तो एक्सपायर हुआ पड़ा है 2016 का। ये तो सील भी नहीं है इस पे, लेकिन ये ढक्कन चेंज है भाई, ये ढक्कन भी इधर। आप बात सुनो, ये देखो ये सील, ये बोतल वो आप यूज कर रहे हैं खुला कहाँ से लेके आ रहे हो सही बताओ उसका। इसका देखो इधर नीचे ये रेड है, ये रेड है, ये वाइट है, इस तरह का नहीं होता। ये कहाँ क्या चीज है जो इसमें डाली हुई है ये बताएं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, आप मुझे ये बताएं। और ये जो लास्ट सर्टिफिकेट है ये तो एक्सपायर हुआ पड़ा है सर, इनका आता रहता है तकरीबन हर 6 माह के बाद इनकी नई लिस्ट आ जाती है। ये खुला भर के या बोतलों में? बोतल SMC की है ये चीज़ अंदर हो रहा है, सिर्फ ये पैकिंग ही बाहर ये यूज़ कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि ये फूड पाउडर है, ये तो टेलकम पाउडर है चाइना का सर। फूड पाउडर है, टेलकम फूड पाउडर कहाँ लिखा हुआ है इस पर स्लिप पे मुझे कहीं दिखा? सर ये टेलकम पाउडर वो दूसरा पाउडर है और ये फूड पाउडर है। मुझे फूड ये कैंडी के लिए फूड ग्रेड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ये है। अच्छा ये मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये जो पैकिंग है ये बाजार से मिलती है, ये रजिस्टर्ड है, सही है जी, है? लेकिन आपकी जो बोतल है ये कुछ और है इसके अंदर, और ये लूज है, इसकी सील भी नहीं है। इसका मतलब है ये भरी गई है? नहीं सर ये भरी गई है, भरी गई है, ये लूज इन्होंने परचेज किया और ये भरी है, बता नहीं रहे आप ना इसका। ये जो खास तौर पे ये चीज़ है क्योंकि ये फिनिश सब पीछे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कुकिंग हो गई, ये पाउडर एंड पे लगता है सबसे, ठीक है? जब ये एंड पे लगता है ना तो इसकी हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? ये टेलकम पाउडर लिखा हुआ है उन्होंने, फूड 25 चाइना 25 kg। तो पहली बात तो ये है कि इसका फूड ग्रेड सर्टिफिकेट और इसका हलाल सर्टिफिकेट इस स्पेसिफिक आइटम का, वो जो पाउडर ये क्या है पाउडर इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, ये टेलकम पाउडर है। टेलकम पाउडर मींस हम जो लगाते हैं जिस्म पे। नहीं ये वो नहीं होता, ये उसमें मिक्स और ये उसमें इस्तेमाल होता है इसमें इस्तेमाल। अगर हमें भी बात करने देना, आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है तो अच्छा ये उसमें यूज होता है उस टेलकम पाउडर में हम जो जिस्म पे लगाते हैं। ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये टेलकम पाउडर है जो इन्होंने इनवाइस दिखाई है जो एस्टिमेटेड, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं फूड ग्रेड होना चाहिए, फूड ग्रेड इनके पास नहीं है सर, वो इनके पास नहीं है। पाउडर जो हम आपके पास करते हैं, आपके पास जो यूज करते हैं वो कुछ और है और फूड टेलकम पाउडर कुछ और है, ठीक है? क्यों नहीं है आप मुझे बता दें क्यों नहीं है? सर्टिफिकेट ले लेते हैं सर, कोई ऐसा मसला है? आपने फैक्ट्री बना ली है, अब काम कर रहे हैं, अभी आप बोलेंगे सर माल तो बना रहे हैं, बाजार में जा रहा है, बिक रहा है, हमारे बच्चे खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, कोई जवाब है आपके पास? सर सारा कुछ जवाब है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, बच्चे तो काम कर रहे हैं, इनके मेडिकल सर्टिफिकेट है, लाइसेंस तो है। अभी तक तो कोई चीज़ नहीं निकली, वो कह रहे हैं ये भी है ये भी है, मैंने नहीं देखी, आपने कोई चीज़ देखी इन्होंने जो कहा? नहीं मिला सारा कुछ मिलेगा सर, कहाँ से मिलेगा? आपको कितने 5 मिनट दे दें 10 मिनट दे दें आप बैठ जाएं, 5-10 मिनट दे दें आपको भाई, 5-10 मिनट क्या करें आप बैठ जाएं, आपको चीजें मिलेंगी डेढ़ साल, आप मिनट बाद मुंह क्या ये कर देते हैं, आप बात ये कर रहे हैं ना, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पास कोई चीज नहीं है, सारा कुछ है, चले मुझे अगर ना हुई तो अपना आईडी कार्ड देता हूँ। हम तो देंगे, हम तो सवाल कर रहे हैं ना, हम तो बता रहे हैं आपके पास ये चीज़ नहीं है मेरे भाई, तो आपके कढ़ाइयों को जंग लगा हुआ है, आपके औजार को जंग लगा हुआ है, सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आपके फैक्ट्री में, आप बात कर रहे हैं।
मेडिकल दिखाओ, ये भी दो नंबर है, ये भी ठीक, ये दो नंबर है ठीक ही नहीं है, ओपन लिया हुआ है खुला हुआ, पता नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं, एस एम सी का नहीं है, नहीं है ना इसका? नहीं, नहीं कलर का, ये टुकने का फर्क है, ये क्या है गवर्नमेंट ऑफ, यार ये तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट तो नहीं है, मेडिकल अभी आया नहीं। अच्छा वो कहाँ से आएगा, एक सर वो कहाँ से आएगा, वो गवर्नमेंट जब इशू करेगी, कौन सी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो आई है, खड़ी है इनका जी, क्या कहाँ भी है और ये आपको रसीद है उसकी दिखाएं, भाई के पास है, रसीद भी भाई के पास है, गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट यहाँ पे खड़ी है गवर्नमेंट, आपने क्यों नहीं लिया, ना लाइसेंस है इनके पास, कोई चीज नहीं इनके पास, लूज चीजें पड़ी हुई है, ये भी कंफर्म नहीं है क्या इसमें यूज कर रहे हैं। अब ये क्या निकल आया, ये अल्लाह खैर करे, चॉकलेट होगी, ये क्या चॉकलेट, देखिए सर माशाल्लाह आप फूड का काम करने वाले हैं, आप बताएं आपकी फैक्ट्री से आपको क्या, आपने क्या डिसीजन लेना इसका क्या है, हमें क्या पता, आपको पता ये क्या मिला, टेक्निकल बंदे आप देखें, और नहीं आपकी फैक्ट्री से मिला मेरे भाई, क्या बात कर रहे हैं, चेक करें क्या, आप बताएं ना, सही चेक करके गया, आप क्या है यहाँ पे मेरे भाई, कारीगर है, कारीगर है, तो फिर आप जिम्मेदार है, वो ऑनर है, वो जिम्मेदार नहीं है, वो डॉक्यूमेंट देखे मेरे पास, आप जवाब दे इनसे, पूछे जी ये क्या इधर लेकर आया, लैकोसिन आ गई, क्या लैकोसिन बताया जरा हमारे नाज़रीन को पता चले, उनको नहीं पता लैकोसिन का, वो सिर्फ लैकोसिन वाइन, लैकोसिन होती है, ये टॉफी बनती है, बन इसका ये टॉफी के ना अंदर डलती है, सर बाल्टी इसका कैन आता है ठीक है, ये 50 किलो की 100 किलो की ड्रमी होती है, जितना हमें ज़रूरत होती है उतनी हम ले आते हैं, बात समझ गए, अगर हमें 50 केजी की ड्रमी की नहीं ज़रूरत, हम उसमें क्यों लेके आए, इसका क्या है, इसका बताएं ये किस में आती है, क्या ये इस बोतल में नहीं है सर, ये एसएमसी का, और यार किस में आती है, पैकिंग नहीं है ये उसकी, मांगा था पैकिंग नहीं है, भाई आ जाता है अप्लाई, कुछ नहीं है, नहीं है लाइसेंस, नहीं है लाइसेंस इनके पास, ये बताएं आप, ये देखें ये पकड़े जरा, इसमें नीचे ये रेड है, बिल्कुल सही, इसके नीचे ये रेड है, इस बोतल में क्या है, ये बोतल ना सील है और ना ये है, ये व्हाइट क्यों डक फ्लेवर है सर, अच्छा ये है क्या, वो कह रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर, सर ये चॉकलेट का ही फ्लेवर है, नहीं चॉकलेट ही है सर, ये एसएमसी ही से लिया है, खुला लिया है, ये ऐसे ही आता है खुला, क्योंकि अपनी फॉर्मूलेशन और मिक्स खुला है, हां जी खुला खुला, उसकी मेन रीजन ये है, यानी कि चॉकलेट भी नहीं है, चॉकलेट फ्लेवर है और वो भी खुला है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसका बिल भी नहीं है, चॉकलेट तो पता नहीं कहां रहेगी, चॉकलेट आपने मांगा, आपको चाहिए बिल, ओ भाई ये ओरिजिनल, आप कैसी माइक, मैं भी माइक पकड़ के, मैं आप मेरे माइक को छोड़ देना, आप अपना काम, मैं भी सारा माइक पकड़ के आप जो काम कर रहे हैं आप मुझे उसका जवाब दे मेरे भाई, मैं क्यों आपको जवाब दूं, आपकी क्या अथॉरिटी है, मैं उनको जवाब दे, तो डेढ़ साल आप खामोश हो जाएं, आप उनको भी आप खामोश हो जाएं, आप उनको भी आप खामोश हो जाएं, आराम से बात करें ना, आप खामोश हो जाएं, आपके पास जवाब नहीं है मेरे भाई, मैं इनसे बात करूंगा, नहीं आपकी क्या जरूरत है, आप सुकून से बात करें, आराम से बात, आप आराम नाल बोलो, आराम की हो गया टाटा की लिंक है, हुआ नहीं है मेरे भाई, वो हाइपर हो रहे हैं ना, सवाल किए जा रहे हो, नहीं है अच्छा, मैं उनको भी नहीं दे रहा, उनको वो भी नहीं कर रहे ना, उनको भी नहीं जवाब, क्या मसला है, हाइपर हो रहे ना, क्या मसला है, भी हाइपर हो रहे ना, वो क्यों बात कर रहे हैं, हाइपर हो ना, क्यों बात कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे, मिला क्या नहीं, कुछ नहीं, आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, जो बंदे सही काम करते हैं कुछ नहीं है, लोगों को भी तंग करते हैं, लाइसेंस है आपके पास, क्या सर्टिफिकेट है मेरे पास इंटरव्यू करने का, आपके पास लाइसेंस है पंजाब अथॉरिटी का, नहीं आप बदमाशी कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं, मैं तो सवाल, मैं क्यों आपको सवाल का जवाब दूं, आपकी क्या अप्रोच है, सर आप बदमाशी, आपकी क्या औकात है मेरे साथ बात करने की, औकात की बात ना करें, हैं माई पकड़ के बाजी, ओ भाई ये बात ना करें, मैं उससे बात कर रहा हूँ, डेढ़ साल आप पीछे जाए, पीछे हटे बाहर हो जाए, आप बाहर चले भाई, आपका लाइसेंस नहीं है, कारोबार कर रहे हो, भाई जाके बात करें, भाई सड़क पे जाके शोर करें, क्या बात है भाई, क्या बदतमीजी क्यों कर रहे हो, आप बाहर जाके बात करें, आप बाहर हो ना, बाहर हो, आराम से मेरे भाई, तेरी इतनी जरूरत अंदर आके बात से भाई, आराम से भाई, धकेला दो, आराम से चलना, चोरी चोरी पकड़ी, आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं, सरकारी मुलाजम है आप, बदतमीजी मुलाजम है आप, बदतमीजी अपना कार्ड दे, अपना कार्ड दो, आप मुझे मारेंगे, अपना कार्ड दो, आप मुझे मारेंगे, आप मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मारे मुझे, ये मैंने माइक रख दिया, आप मेरा आपको क्या मारना, तेरी इतनी जरूरत तू बात करे,
आराम से कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन आज छोड़ो मैं आ जाता हूँ आराम से मेरे भाई आराम से पीसी होके बदमाशी ये बदमाशी नहीं करनी आपने आराम से धक्के ना दो भाई फिजिकली ना हो मेरे साथ आराम से प्यार से बात करो मेरे साथ ये पेंट किया हुआ है नहीं नहीं सर हाँ स्टील का नहीं स्टील का सर ये स्टील का ये वाले यूज़ कर रहे हैं आप जंग वाले स्पॉन्स ये देखो इधर आओ ये क्या है ये यूज़ कर रहे हो जंग वाले ये वाले ये जंग लगा हुआ है आपके औजार को नहीं सर जंग नहीं लगा तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं ये चेक ये जो नज़र आ रहा है ये दिखा रहे हैं ये देखे चलो जी भैया ठीक है तो इनके पास कोई चीज़ नहीं है कुछ नहीं है इनके पास और बेशर्मी देखें इनकी बेशर्मी देखें ऊपर से कह रहे हैं आपकी क्या अथॉरिटी है भाई आपके पास कोई चीज़ नहीं है दो नंबर कारोबार आप यहाँ पे कर रहे हो लोगों की जानों से खेल रहे हो बच्चों की जानों से खेल रहे हो जहरीला पाउडर यूज़ कर रहे हो आप अपने सामान में उसको आईना दिखाया तो गुस्सा आ गया बदतमीजी भी होता रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं बट आपने देखा भी तो साहब ये क्या चक्कर है ये रबड़ी है ऐसी रख दी है नीचे रख नहीं दी है इसमें डालने आया लड़का ना बाहर से डालने आया मैं पूछूंगा डिप्टी डायरेक्टर साहब से कि ऐसा क्यों हुआ और वो इतना गुस्से में क्यों आया गुस्से में तो इसलिए आया आप समझदार भी हैं देखने वाले सर क्या कहते हैं ये गुस्सा और ये सब कुछ सील कर दिया फैक्ट्री तो ये गुस्सा और ये सब कुछ मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये इनके पास कुछ नहीं था ना जब दो नंबर काम कर रहे हैं तो इस तरह के जब आप दो नंबर काम करेंगे तो गुस्सा तो चढ़ेगा और दो नंबर काम वो लोग करते हैं जो बासर होते हैं जिनकी पुश्त पनाही स्ट्रॉन्ग होती है सब कुछ अभी एक और पॉइंट में अंदर आए हैं देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है यहाँ पे क्या तैयार किया जा रहा है क्या बनाते हो जलेबियाँ मीठी जलेबी माशाल्लाह दूध है ये भैंस और गाय का नहीं नहीं किसका किस नाम से कर रहे हो रोसिया मिल्क शॉप से रोसिया कितनी शाखें हैं आपकी तीन शाखें कहाँ से आता है दूध पाक पतन और सरगोदा से बिल्कुल क्या किया आपने जाके जहाँ से आता है पीछे टेस्ट किया है हम क्या टेस्ट करो खुद लेकर आते हैं खुद उनकी भैंसे भूसे देख के लाते हो या वैसे ही लाते नहीं भैंसे देख के टेस्ट लगाते हैं हाँ जी टेस्ट ये मिठाई वाली आपका ये गाँव हाँ जी ये आगे कारखाना हाँ जी ये स्वीट्स का यूनिट है
स्वीट्स बनाते हैं? दूध का काम है ना, ये गरम दूध में जलेबी इस्तेमाल है। दूध जलेबी? अच्छा, दूध जलेबी। हाँ जी, दूध आपका ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, 100%। ये जलेबियाँ निकाली जा रही हैं आपकी शॉप से या कि बुटीक से? नहीं नहीं, अपनी शॉप पर से। अच्छा, अपनी, माशाल्लाह ज्यादा काम होगा आपका, ये बड़े बड़े आप टैंक लगाए हुए, अच्छी बात है। दूध टेस्ट किया जाएगा और देखते हैं कि इनका दूध ठीक है कि नहीं। ये पंजाब फूड वाले बताएंगे। क्या कर रहे हो मेरे भाई आप? जी क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? ये गर्म दूध कर रहे हैं। गर्म दूध सही हो रहा है? गर्म दूध? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। दूध ठीक है? लगता है पानी है कि नहीं इसमें? नहीं, पानी ज़्यादा नहीं होता। कितना होता है? पानी नहीं होता। खालिश दूध दूध तो मिलता ही नहीं है ना, ये छोड़ दो। ये ऐसे अपना पिछू पिंड है, जो पिछू पिंड खालिश आता है। हाँ जी, नहीं कोई चीज़ नहीं होती इसमें? नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं होता? अच्छा, अभी इसके ऊपर कोई कपड़ा शपड़ा नहीं दिया आपने नीचे कोई चीज़? वैसे सही एहतियात से बना? नहीं, एहतियात से बना। कपड़ा होना चाहिए कि नहीं वैसे ऊपर? इन जी ऐसी बड़ी एहतियात करने हैं भाजी। अच्छा, अभी ठीक है? पानी पानी आई? नहीं, पानी ऐसी पाते ही नहीं, ऐसी अपना दूध पिंडू लेके आने। अच्छा ठीक, दो दिन का टेस्ट किया? अभी एनालिसिस करवा रहे हैं। आपके पास है वो सारा सामान? हां जी, अच्छा, अभी कुछ लेने गए हैं टेस्ट। वैसे खालिश की क्या वो एलआर चेक करनी है इसकी? वो स्टार्च वगैरह चेक करते हैं क्या? डाला हुआ फैट और जो सारा कुछ चेक करते हैं। अभी लेने गया वो गाड़ी में। आप मुतमईन हैं? हाँ जी मुतमईन हैं। देख ले टेस्ट होने लगा इंशाल्लाह, मुतमईन हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है जी। अभी सफाई का कुछ थोड़ा सा इशू है? ठीक है, इंशाल्लाह वो भी है। सफाई कब करेंगे? चीज़ गंद है इसमें तो। ये ना एक कैबिन बनाएं, मतलब ग्लास का कैबिन बनाएं या सीप का कैबिन बनाएं? मुझे ये बताएं ऊपर देखो क्या पोजीशन है, अगर इसमें कोई चीज़ डल जाए वो एंड कर क्या करेंगे? छिपकली वगैरह गिर जाए या कोई चीज़ गिर जाए ऊपर वाले में तो क्या करोगे? ये चीज़ें सारी ना आपके, ये जो आपकी फिनिश पर थोड़ा तैयार है, इवन इस तरह की भी जो है वो जिस SST जो होती है सीट वो बना के इसके ऊपर रखी ताकि ऊपर आप। हाँ, तो कोई भी चीज़ जो है वो डायरेक्ट अगर उसमें गिरेगी तो वो प्रॉब्लम। सफाई तो हमें खुद कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी हमें कोई बाहर से आगे बताएगा तो फिर तो अच्छी बात। नहीं नहीं, वरना ये दुकान खूबसूरत होगी, बड़े शीशे में और ये जलेबियाँ और दही होगी जो है ना, ये सिगरेट यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया में। ये तो बच्चों को भी पता होता है कि भाई जहाँ खाना पड़ा हो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे ऐसे है ना, मुस्कुरा बड़ा अच्छा रहे। चले खैर, अभी पंजाब फूड अथॉरिटी वाले इनका दूध चेक करेंगे कि ये खालिस है या नहीं है, ये भी थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। और ये इनका एक सेटअप है, यहीं पे इन्होंने प्लांट रखे हुए दो दूध के बड़े बड़े, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले। और जलेबियाँ यहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ निकल रही हैं और ये भाई मेरे बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन सफाई जो है ना, सफाई सफाई होनी चाहिए। ये क्या यहाँ पे क्या है? ये मलाई है। मलाई ऐसी रख दी है? ये क्या चक्कर है? ये रबड़ी है। ऐसी रख दी है? नीचे रख नहीं दी है, इसमें डालने आया लड़का ना, बाहर से डालने आया इसमें। यार नीचे रखा हुआ? नीचे पड़ा हुआ था? नहीं नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें रबड़ी डालकर बाहर लेकर जानी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें रबड़ी डाल के बाहर ले। ये कलर वगैरह डालने आया? कलर कौन सा यूज कर रहे हो? जलेबी में? हाँ। वो ये भाई लेकर आता है। हाँ दी, मैं दसो यार कलर कितने ला गया ना भाई? रामगढ़ मेन बाजार। ये तो फूड ग्रेड नहीं लग रहा मैंने, पकड़ा जरा कलर। प्लान यार भाई लेके अंदर, ये तो आम कलर लग रहा है। फूड ग्रेड नहीं है। किधर है डब्बी? ऐसे तो नहीं होती, कवर नहीं होनी चाहिए ना इसमें। वो दिखाओ पैकिंग वाली पड़ी हुई, कोई फूड ग्रेड तो नहीं लग रही है। ये डब्बी है, दिखाओ जरा पैकिंग नहीं है। कोई बिल वगैरह दिखाओ अड्डे तो सर बिल लूज कलर। हाँ जी है जलेबी वाला, इसकी जांच नहीं है लूज कलर की, ये तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। किसी ने नहीं बताया आपको लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी, कैसे बनाया लाइसेंस? अथॉरिटी से बना के? अथॉरिटी से बना। दिखाओ कौन सी अथॉरिटी से बना? वो छोटे दिखाओ लाइसेंस को, अली रजाक ने कहना वो लाइसेंस दे उठे ना पे होवे पंजाब फूड का। हाँ जी पंजाब फूड। दिखाओ एक मिनट। तो आपको बताया नहीं कलर कलर नहीं यूज करना, किसी ने नहीं बताया सर? मिस्टेक हो गई सर। पहले कुछ चेक हुआ कभी? ये अंदर अंदर
ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜਲੇਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਬ ਵੀ ਬਣਾਏ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਜੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਰੰਗ ਹੋਤੇ ਨਾ ਇਨਕੀ ਕੋਈ ਟਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿ ਯੇ ਕਬ ਬਣਾਇਆ ਕਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਯੇ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੇਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ ਕੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾਨ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਇਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਈਸ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਆਪ ਇਸਕੇ ਲਈ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਇਹ ਟੈਂਕ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸਮੇ ਡਾਲੇ ਉਸਕਾ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਫੂਡ ਕਲਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਡੱਬੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਔਰ ਦੁੱਧ ਅਭੀ ਚੈੱਕ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਨਕਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਯੇ ਅਭੀ ਉਨਕਾ ਦੁੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ये जो कलर है इनका उसको ज़ाया करने लगे उसको ज़ाया करेंगे ये लोकल है ना लोकल है लोकल लग रहा है ट्रेसेबिलिटी का इशू है ट्रेसेबिलिटी नहीं है अच्छा तो उनको कुछ हिदायत दी है आपको हाँ जी इसको कौन सा कलर यूज़ हाँ जी वो बता दिया सारी इन्फॉर्मेशन अगर इनका दूध खराब या गैर मेयारी होगा तो वो भी हाँ जी वो भी ज़ाया होगा ज़ाया कर दिया हाँ जी अभी उसका टेस्ट लगा रहे हैं अभी देखते हैं ठीक है जी अभी टेस्ट लगाया जा रहा है जी जी ये देख लो ज़ाया कर रहे हैं अच्छा ये इधर ले आओ अच्छा ये ज़ाया कर रहे हैं ये कलर है फूड कलर नहीं है इसीलिए ज़्यादातर ट्रेसेबिलिटी नहीं है इसकी अच्छा जी डाउटेड अच्छा अभी दूध का टेस्ट हो चुका है मैं पूछूंगा इनसे कि सर कैसा है दूध इनका और पीने के काबिल है दूध का ठीक है इनका थोड़ा सा इशू है इनका हाइजीन का इसलिए हम इनको फाइन कर रहे हैं सिर्फ फाइन करेंगे हाइजीन मतलब क्या दूध में हाइजीन दूध में कुछ नहीं है लेकिन बाहर की सुथराई है कलर का सफाई नहीं है ऊपर से छत वगैरह है वॉशरूम का है और इसके अलावा मेडिकल भी नहीं है इनके पास दूध इनका ठीक है दूध आपका ठीक है सफाई नहीं है सफाई कब होगी वो भी इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट जब आएंगे हां इंशाल्लाह वादा करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के बाद ये क्लोज हो जाएगा ऊपर चला जाएगा अच्छा ऊपर चला जाएगा ना उधर गोदाम तैयार कर लो चलिए जी अच्छी बात है और सफाई होनी चाहिए नहीं ठीक है दूध इनका ठीक रहेगा लेकिन उससे पहले हमने जो कुछ हुआ इस टॉफी बनाने वाली फैक्ट्री में जिस तरीके से वो पेश आए और वो गुस्से से गुंडे बुला लिए भाई उन्होंने गुंडे बुलाए कि इनको रोको ये सच ना दिखाए हकायक ना दिखाए लेकिन हम तो हकायक दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही अगले प्रोग्राम के लिए मुझे मेरे टीम को दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़